दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आज के समय में यूरोप के अंदर बहुत ही भारी मात्रा में गैस और इलेक्ट्रिसिटी की कमी है तो आप में से बहुत सारे लोग तो मुझ पर यकीन ही नहीं करोगे। पर आज के समय में इटली, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी और यहां तक कि यूके के अंदर भी भारी मात्रा के अंदर गैस और इलेक्ट्रिसिटी की कमी है। पर सोचने वाली बात तो ये है कि ये सारी डेवलप कंट्रीज है, पर आखिरकार यहां पर ये प्रॉब्लम्स देखने को क्यों मिल रही है? तो देखो यार, यूरोप के सारे देश बहुत ही ठंडे एरियाज के अंदर है, जहां पर रात में तो क्या दिन में भी टेम्परेचर माइनस के अंदर पहुंच जाता है, और ऐसे में घरों के अंदर 24 घंटे हीटर चलते हैं जो कि गैस पर या फिर इलेक्ट्रिसिटी पर चलते हैं। इन एरियाज के अंदर सोलर एनर्जी बनाई नहीं जा सकती क्योंकि यहां पर धूप बहुत ही कम निकलती है, और यहाँ पर विंड एनर्जी भी नहीं बनाई जा सकती क्योंकि यहाँ पर हवाएं भी बहुत कम चलती हैं। इसीलिए इन लोगों को या तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए या फिर गैस चाहिए, पर अब इन लोगों को वो नहीं मिल रहे हैं क्योंकि यूरोप के अंदर आने वाली इलेक्ट्रिसिटी और गैस का 40% अकेले रशिया से आता था, और अब इन लोगों को भारी मात्रा के अंदर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।